80 गज लंबी, 50 गज चौड़ी, 3 मंजिला कश्ती थी। 100 साल लगे बनने में। तूफाने नू आया, मुसलसल बारिश, दुनिया में कुछ भी नहीं बचा था। 40 गज ऊंचे पहाड़ भी उसमें डूब गए। अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया कि ए नू, अब कश्ती तैयार करें। कमाल ये था कि हजरत नू अलैहिस्सलाम उस मुल्क में थे कि जहां लैंडलॉक कंट्री थी, कोई समुद्र ही नहीं था, और आप कश्ती बना रहे हैं। अब लोग रोज गुजरते आपका मजाक उड़ाते कि पहले तो तुम कहते थे अल्लाह के नबी हो, पहले कहते थे कि अल्लाह वहदहु ला शरीक की तरफ बुलाना है, अब तो माज अल्लाह तुम कारपेंटर बन गए हो, कश्ती बनाने लग गए हो। मजाक उड़ा, कश्ती का करोगे क्या जब हमारे मुल्क में पानी ही नहीं है, मगर आपको रब की तरफ से हुक्म था। अच्छा, पहले तो आपने उसको बनाने के लिए सागवान के दरख्त उगाए, और वो 100 साल लगे उन दरख्तों को उतना बड़ा होने में कि जितनी लकड़ी की जरूरत थी। 100 ईयर्स तक तो पहले आपने दरख्त उगाया, फिर उसके बाद 80 गज लंबी और 50 गज चौड़ी आपने कश्ती बनाई। अच्छा, कश्ती भी एक दर्जा नहीं था, यानी एक फ्लोर की नहीं थी, वो 3 मंजिला कश्ती थी। आपने उसके 3 दर्जे बनाए, क्योंकि निचले तबके में परिंदे और हशरातुल अर्द कीड़े मकोड़े जो होते, दरमियानी तबके में यानी फर्स्ट फ्लोर पर चौपाए, और फिर ऊपर सेकंड फ्लोर पर मोमिनीन और खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लिए और मोमिनीन के लिए जगह बनाई। यानी 3 फ्लोर की ये कश्ती तैयार की गई। 100 साल लगे ये तारीखी कश्ती को बनने में। इस तनूर से जब पानी निकले ना, तो आप समझ जाना कि अब तूफान आने वाला है। दिस इज इंडिकेशन, और ये कुरान में मौजूद है। कुरान कहता है यहां तक कि जब हमारा हुक्म आया और तनूर उबला, तो हमने फरमाया कश्ती में सवार कर ले हर जिन्स में से एक जोड़ा, नर और मादा, और जिन पर बात पड़ चुकी है उनके सिवा अपने घर वालों और बाकी मुसलमानों को, और उसके साथ मुसलमान न थे मगर थोड़े। 40 दिन तक मुसलसल बारिश, दिन और रात नॉन स्टॉप, मौसलाधार, यानी लफ्ज मौसलाधार भी थोड़ा, यानी बारिश भी कितनी हुई कि फरमाया कि जमीन जगह जगह से फट गई, और जमीन के अंदर से भी पानी के चश्मे फूटे, और अल्लाह अकबर, इतना पानी आया कि 40 गज ऊंचे पहाड़ भी उसमें डूब गए। यानी दूसरे लफ्जों में दुनिया में कुछ भी नहीं बचा था, पूरी दुनिया में पानी था और बड़े बड़े पहाड़ भी डूब गए थे। अब एक कश्ती थी जिसमें 80 मोमिनीन थे, और जानवरों का, परिंदों का, चरिंद का, दरिंदों का, हशरातुल अर्द का एक एक जोड़ा था। ठीक है, ये अल्लाह की शान थी। अब आइए, जब तूफान आ गया और आपने सब लोगों को सवार किया, तो अब आपकी एक बीवी थी वाइला जो काफिरा थी, और आपका एक लड़का था जिसका नाम कनान था। ये दोनों कश्ती में सवार नहीं हुए, और ये दोनों तूफान में गर्क हो गए। तूफान आ गया, सारी दुनिया गर्क हो गई। पानी और मौजें कैसी थी, कुरान बताता है, वाहिया तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल, और वो उन्हें लिए जा रही थी ऐसी मौजों में जैसे पहाड़, पहाड़ जैसी मौजें थी। और एक कश्ती दुनिया में है जिसमें 80 ईमान वाले हैं, और वो थपेड़ों के साथ वो कश्ती चलती जा रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वो कश्ती चलती रही, आपको पता है कितने दिन, 6 महीने तक ये कश्ती इसी तरह पानी में चलती रही। और सुनो, उस वक्त जो खाना काबा की जमीन थी ना, ये कश्ती वहां भी पहुंची, काबा मुशर्रफा का 7 बार उसने चक्कर भी लगाया। अब उसके बाद ये कश्ती एक पहाड़ पर रुकी, और ये पहाड़ भी जूदी पहाड़ है। इस पर भी उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि अल्लाह पाक ने हजरत हर पहाड़ पर एक वही फरमाई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एक पहाड़ पर ठहरेगी, तो पहाड़ों ने तकब्बुर किया, मगर जूदी पहाड़ ने आजजी इख्तियार की, तो अल्लाह ताला ने उस पहाड़ को यह शरफ दिया कि हजरत नूह की कश्ती जाकर वहां रुकी। अब अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म दिया गया जमीन को कि ए जमीन, जितना पानी तुझसे चश्मों की सूरत में निकला है वो सारा पानी तू पी ले, और ए आसमान, तू अपनी बारिश बंद कर दे। अब पानी घटना शुरू हुआ, तूफान खत्म हो गया। अल्लाह करीम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ नूह, अब कश्ती से उतर आइए, अब आप उस पहाड़ पर बाहर उतरे, और आपकी फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से सलामती और बरकतें आप पर भी हैं, और उन लोगों पर भी हैं जो कश्ती में आपके साथ हैं।